हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, मेरे लिए भी खास है और आपके लिए भी खास होने वाला है। वो आप वीडियो जब कंटिन्यू देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वीडियो क्यों खास होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। आज सुबह सुबह 12 बजे लगी, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एयर को, क्योंकि पता नहीं फिर जहाज़ उठेगा या नहीं उठेगा। कश्मीर में तो बर्फ़ पड़ रही है इस टाइम, हल्की हल्की सी बर्फ़ तो लेकिन पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज खान ड्रेस क्यों लगाया है इतनी सर्दी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उमराह करने, वो भी अपनी पापा के साथ। तो मैं खुश नसीब हूँ कि जो मेरे को मौका मिला अपने पापा के साथ इतनी छोटी एज में उमराह करने जाने का। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए, तो मैं साथ साथ आपको भी बताऊंगा कि उमराह कैसे करना होता है। सऊदी पहुँच के भी बोलूंगा कि वहाँ पर क्या क्या फ़राइज़ होते हैं, और कश्मीरी में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। चलो मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फ़्लाइट सुबह थी 7, ये ना कितने बजे थी, 10 बजे, 10 बजे। तो एक कज़न है मेरा, मेरे छोटे कज़न, सुबह थे हमारे लगभग श्रीनगर से जो 10 बजे, लेकिन फिर बर्फ़ गिर रही थी, आपको दिखाया मैंने, तो उसकी वजह से अब 2 बजे फ़्लाइट हो गई श्रीनगर से दिल्ली। फिर दिल्ली में हम निकलेंगे 9 बजे, तो पहुँचेंगे फिर अब इंशाल्लाह जिद्दा, मिलते हैं अभी एयरपोर्ट। हाय करो, हाय बाय। इसकी भी म्याओ म्याओ ییمس تہ ہنس تہ شاپس تہ سکین فارک اندر نماز منہ پانچ گھنٹے نماز دعا پڑھ کر۔ تو فرینڈز ابھی ہم نکل چکے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، اور ایک کزن اور کزنیا اور ایک کزن ہے۔ تو یہ ہماری گاڑی جا رہی ہے آگے آگے، اور یہ ہماری دوسری گاڑی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ گئے، एयरपोर्ट के अंदर आ गया और मेरा पापा भी। तो चेकिंग वेकिंग तो होगी, अब जा रहे हैं आगे, तो उसके बाद और चेकिंग होगी, और तो उसके बाद हम जाएंगे जहाज़ में दिल्ली तक, है ना। सीधे दिल्ली जाना है तुझे? सीधे दिल्ली, और पहले जाना था पहले जम्मू, उसके बाद दिल्ली, तो आप जाना है डायरेक्ट दिल्ली, क्योंकि बर्फ़ गिरी थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। थोड़ी स्नो देख ले, फिर वहाँ पर नहीं मिलेगी देखने। सही बात है। कहाँ हमारा श्रीनगर का एयरपोर्ट? दिस इज़ अ एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर। म्यूजिक प्लीज। और ये अभी हम इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर है, आपको मैं दिखाता हूँ रनवे एयरपोर्ट का, ठीक है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं, उधर ही अब वेट करना है, वो भी बहुत देर तक। फिर लगभग शाम के 10 बजे हम निकलेंगे सऊदी अरेबिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर हैं, और हमने सब बोर्डिंग वोडिंग वो वीज़ा पीज़ा वो सब कुछ करवाया। लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे हमको, वो दे सकते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, लगभग 3 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे चेक इन कराने।
और इतनी चेकिंग अब देखते हैं, आप भी देखते रहो और आप भी देखते। तो अभी हमको जाना है अभी 4A में, अभी वही ढूंढ रहे हैं। तो अभी 14A गेट नंबर ढूंढना है हमें। तो पापा गए अंदर वॉशरूम, ये लेडीज़ और ये सॉरी गलत गए। तो अभी हम वॉशरूम दिखाएंगे आपको। और ये देख सकते हो आप, ऑटोमेटेड नल का है, इसको सिर्फ हाथ रखना है तो ये खुद देखो। अरे मेरा वाला चालू नहीं रहा है, अब चल गया। तो हमने नमाज भी पढ़ी और डिनर भी किया। तो आप जा रहे हैं हम अपने जहाज़ की ओर। तो उसके बाद अभी तो अहराम भी लगाना है हमें, अहराम भी नहीं लगाया हमने। तो नमाज वमाज तो हमने बाकी पढ़ी ली, बस अब अहराम लगाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे हम कैसे लगते हैं अहराम। फोन तैयार गिरने को था, ले फोन पे विश। वाह, दिल्ली एयरपोर्ट कितना बोर छ, इंटरनेशनल से ज़्यादा बोर सर। एक प्रॉब्लम हो गई थी यार हमको, वो क्या होगी कि हमने सिम नहीं लाया था, मैंने लाया था वो जियो सिम, लेकिन वो चल ही नहीं रही है इधर। शायद इधर पोस्ट पेड चलता है, प्रीपेड नहीं चलता है, तो प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, चलो अब हम जाते हैं सूदी उधर लेते हैं वो नया, जिद्दा एयरपोर्ट पे देंगे नई सिम। तो उसके बाद करते हैं घर वालों को कॉल, अभी की थी कॉल अब दूसरे बंदे जो हमारा गाइड था उसी ने दिया। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक एलिवेटर है वैसे ये भी है। लेकिन बहुत यार सफ़र बहुत कठिन है, अजाब की कसम हुआ है। आप देख सकते हैं अब अहराम भी होने लगा और एयरपोर्टस मज आसान बहुत अच्छा सा मस्जिद तो बन इंडिया अथॉरिटी की तरफ अच्छा कम, मतलब सारी मर्द हजरत लगा अहराम में, बस वो स्टार्ट। तो वह करो इंशाल्लाह मुलाकात सऊदी अरब से। चलो अस्सलाम। अहराम भी लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। पहुंच गए हैं अभी सऊदी अरेबिया, बस में चढ़ चुका हूँ भी कंप्लीट हो गई सिमने के वीडियो। तो ये आप देख सकते हो वॉल्वो बस, और आपको थोड़ा नीचे से दिखाऊं।
इस वाली बस में हम चढ़े हैं, ये आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया का नंबर भी है। हबीबी वेलकम टू दुबई। लेकिन खतरनाक बस है, बस कैसे खतरनाक। तो अभी सऊदी अरेबिया वो जिद्दा एयरपोर्ट, ठीक है, ये जिद्दा एयरपोर्ट सब है। तो आप इधर से आप निकलेंगे होटल की तरफ और ये हमारी बस है, ये तो आगे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या। आप देखेंगे बस لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك।